इतने बड़े देश की बेटी होकर तुम कायरता की बात कर रही हो? लेकिन सोचते समझते अपनी जान को खतरे में डाल देना कहां की बात है। तुम नहीं जानती हो ज्वाला, इस काम को पूरा करते करते अगर मेरी जान चली गई तो मैं अमर हो जाऊंगा, और अगर सफलता मिली तो महाराज यशवंत से तुम्हारा हाथ मांगने का अधिकारी बन जाऊंगा। अगर प्रेम का नाम कलंक है तो मुझे कलंक नहीं बनना स्वीकार है। धन है वो बहन जिसके मुंह से भाई ऐसे शब्द सुन रहा है, और धन्य है वो भाई जो शीश महल में बैठकर दूसरों पर पत्थर फेंकता है। नमस्कार दोस्तों, फिल्मी टसन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सुनील दत्त और मधुबाला की एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसकी शुरुआत तो हुई थी साल 1956 में, लेकिन फिल्म को रिलीज किया गया था 15 साल बाद 1971 में, और वो फिल्म थी ज्वाला। और हम जानेंगे इसी फिल्म से जुड़े कुछ रोचक और अनसुने फैक्ट। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिल्म ज्वाला एक ड्रामा पर आधारित फिल्म है जिसे 1 जुलाई 1971 को रिलीज किया गया था। फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया है एमवी रमन ने। इस फिल्म में अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा है सुनील दत्त, सोहराब मोदी, मधुबाला, आशा पारेख, प्राण, डेविड अब्राहम, ललिता पवार, मुकरी और राज मेहरा ने। फिल्म के गीत लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने तथा संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। फिल्म के एल्बम में टोटल 8 गाने हैं जिन्हें अपनी मधुर आवाज में गाया है मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, गीता दत्त, मुकेश, मन्ना डे और सुधा मल्होत्रा ने। फिल्म को IMDB की ओर से 10 में से 5.6 की रेटिंग मिली हुई है और 61% गूगल यूजर ने पसंद किया है। इस फिल्म के बजट और कलेक्शन की जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दी गई थी। दोस्तों बता देते हैं फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 1, इस फिल्म की घोषणा 1956 में की गई थी लेकिन फिल्म की शूटिंग 1960 तक पूरी नहीं हुई थी। मधुबाला अपनी बीमारी के कारण ज्यादातर सेट से अनुपस्थित रहती थी और निर्देशक रमन को फिल्मांकन पूरा करने के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल करना पड़ता था। 1969 में मधुबाला की मृत्यु के 2 साल बाद 1971 में फिल्म रिलीज होने पर बॉक्स ऑफिस पर विफल रही थी। फैक्ट नंबर 2, 1960 तक फिल्म की शूटिंग लगभग 90% पूरी हो चुकी थी लेकिन शूटिंग के दौरान मधुबाला के बीमार पड़ने पर फिल्म को 10 साल के लिए रोक दिया गया था। 1969 में मधुबाला की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के बाद विभिन्न अभिनेत्रियों के साथ मधुबाला के लिए फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ और फिल्म अंततः 1971 में रिलीज हुई। फैक्ट नंबर 3, इस फिल्म को 1 जुलाई 1971 को केवल सीमित संख्या में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। सुनील दत्त और सोहराब मोदी को शुरुआती क्रेडिट में मधुबाला पर शीर्ष बिलिंग दी गई थी, लेकिन मधुबाला का नाम सभी पोस्टरों और प्रचार में पहले स्थान पर दिखाई दिया। यह सुनील दत्त ही थे जिन्होंने जोर देकर कहा था कि मधुबाला को शीर्ष बिलिंग दी जाए क्योंकि वह उनसे बड़ी स्टार थी। फैक्ट नंबर 4, आशा पारेख जो उस समय एक जानी मानी बाल कलाकार थी, स्टार बनने से पहले आशा पारेख ने मधुबाला के साथ दृश्यों को साझा करते हुए इस फिल्म में एक सहायक भूमिका निभाई थी। फैक्ट नंबर 5, 1971 में जब यह फिल्म रिलीज हुई तब तक आशा पारेख एक बड़ी स्टार बन चुकी थी लेकिन वह इस फिल्म की रिलीज से खुश नहीं थी। ज्वाला उसी समय रिलीज हुई जब उनकी हिट फिल्में मेरा गांव मेरा देश और कारवां सिनेमाघरों में चल रही थी। फैक्ट नंबर 6, मधुबाला की यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जो पूरी तरह से रंगीन है। मधुबाला की सबसे लोकप्रिय फिल्म मुगले आजम में कुछ दृश्य रंगीन हैं, लेकिन उस फिल्म को ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट में शूट किया गया था। फैक्ट नंबर 7, मशहूर खलनायक गोगा कपूर की यह पहली फिल्म है। उन्होंने इस फिल्म में एक सैनिक के रूप में बहुत ही छोटी सी भूमिका निभाई थी। हालांकि 15 साल की देरी से रिलीज होने के बावजूद यह उनकी पहली फिल्म ही रही। फैक्ट नंबर 8, सुनील दत्त और मधुबाला की एक साथ साइन की हुई यह पहली फिल्म है, लेकिन इस फिल्म को बनने में काफी देर हुई जिससे 1959 में रिलीज हुई फिल्म इंसान जाग उठा में दोनों पहली बार एक साथ नजर आए थे। फैक्ट नंबर 9, अभिनेत्री मधुबाला की यह आखिरी फिल्म है जो उनके निधन के 2 साल बाद रिलीज हुई थी।
दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और फिल्म की रोचक बातों के साथ।